2050 तक दुनिया काफ़ी हद तक बदल जाने वाली है और हमें कॉमन से कॉमन चीज़ में भी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि 2050 की दुनिया कैसी होगी। अगर आपने अभी तक क्वेश्चनर हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और भी देख सकें। 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह होगी। AI से आप बिना लाइन में लगे किसी भी शॉप से कुछ भी खरीद पाएंगे और पैसे अपने आप आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। इसकी मदद से गंभीर बीमारी का इलाज भी आसान हो जाएगा और रोबोटिक पार्ट्स भी काफ़ी कॉमन हो जाएंगे जो कि असली पार्ट्स से भी ज़्यादा मजबूत होंगे। इसी के साथ रोबोट वर्कर्स से लेकर के पालतू पशु और टीचिंग से लेकर के पुलिस सबका काम करने लगेंगे। 2050 तक ऐसे गैजेट्स भी कॉमन होंगे जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के काम आएंगे जिससे लैंग्वेज बैरियर्स समाप्त हो जाएंगे और इसके साथ साथ वॉइस रिकॉग्निशन और गूगल असिस्टेंट जैसे ऐप्स हमारे लिए लगभग सभी काम कर पाएंगे। हमारे कपड़ों से लेकर के घर गाड़ी और आसपास के वातावरण में जगह जगह पर सेंसर्स लगे होंगे जिससे हम स्वास्थ्य और सुरक्षा को और बढ़ा सकेंगे। कंप्यूटर्स भी बदल जाएंगे और शायद हम क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने लगेंगे जिनसे कई बिलियन इक्वेशंस एक ही बार में सॉल्व की जा सकती है। दुनिया की लगभग हर बीमारी को कोई ना कोई इलाज के माध्यम से ठीक किया जाएगा और कई बीमारियों को अर्ली स्टेज में ही रोक करके लाखों जानें बचाई जा सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह वर्चुअल रियलिटी भी एक रियलिटी होगी। होलोग्राम जिसे अभी तक सिर्फ साइंस मूवीज में देखा जाता था वो एक रियलिटी बन सकता है। हम पूरी दुनिया को देख सकेंगे, घूम सकेंगे और वो भी घर बैठे। 2050 तक लगभग सारी कार्स और ट्रक्स इलेक्ट्रॉनिक होंगी जिससे पेट्रोल पंप खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह लेंगे इंस्टेंट कार चार्जर जिनसे आप अपनी कार को कुछ ही मिनटों में चार्ज कर पाएंगे और कई सौ किलोमीटर्स घूम पाएंगे। ड्राइवरलेस कार्स भी एक रियलिटी होगी और रोड बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएंगी। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स आपका सामान लेकर जाएंगे और वो भी बिल्कुल सेफली। 2050 तक आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी बदल जाएगा। ड्रोन्स की मदद से आपके पार्सल्स को सीधे आप तक पहुंचाया जाएगा। ड्रोन्स हर जगह उपयोगी सिद्ध होंगे। सिक्योरिटी से लेकर के कंस्ट्रक्शन सब जगह ड्रोन्स हमारा काम आसान करते रहेंगे और हो सकता है कि ये ऑटोमेटिकली चल पाएं। टैक्सी के लिए आपको ड्रोन्स टैक्सी भी दिख सकती हैं। दूर ट्रैवल करने के लिए हाइपरलूप का प्रयोग किया जाएगा जहां कुछ ही घंटों में कई हज़ार किलोमीटर्स का सफ़र किया जा सकता है। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेन्स भी देख पाएंगे। इलॉन मस्क तो ट्रैवल के लिए अलग ही भविष्य देख रहे हैं। उनके अनुसार 2050 तक उनके स्टारशिप में पूरी दुनिया की यात्रा संभव होगी। ये रॉकेट्स बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे और स्पेस में होते हुए ट्रैवल कराएंगे। इनकी मदद से अमेरिका के न्यूयॉर्क से लंदन का सफ़र सिर्फ 30 मिनट में ही किया जा सकेगा। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ 2024 तक इंसानों को चांद पर ले जाना चाहती है और वहां पर एक कॉलोनी स्थापित करना चाहती है। इसके सफल होने के बाद अगला टारगेट होगा मार्स जहां 2030 तक सबसे पहले इंसान को भेजने की प्लानिंग है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2050 तक हम मार्स पर सक्सेसफुली कॉलोनी स्थापित कर पाएंगे। यहां तक कि इलोन मस्क मानते हैं कि 2050 तक मार्स पर हम एक शहर भी बना पाएंगे जहां 10 लाख से ज़्यादा लोग रह सकेंगे। अर्थ की ऑर्बिट में होटल और मंगल पर कॉलोनी, ये सब कुछ हो सकता है 2050 तक। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट लिख करके टॉपिक सजेस्ट करें व अपने सजेशन देना ना भूलें।